हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनवी गवाल। आज मैं आपको हनी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी कि हनी के माध्यम से हम कैसे हमारे फेस को चमका सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अपने हाथों में एक चम्मच शहद लें और इसे पूरे चेहरे पर लगाएं। 5-10 मिनट तक इसे ही अपने चेहरे पर उसे लगा रहने दें, फिर पानी से उसको धो लें। शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, कील, मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में मदद करती है। इसे चेहरे पर नियमित लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। यह स्किन पोर्स में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है। आप इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कुछ दिन तक इसका प्रयोग करने से आपको खुद ही अपने चेहरे पर साफ फर्क दिखाई देगा। आप बनाते हैं हनी फेशियल क्लींजर। चेहरे पर लगे मेकअप को सहज से साफ किया जा सकता है। इसे प्रयोग करने के लिए शहद और ऑलिव ऑयल मिलाए और चेहरे पर लगाए, फिर इसे कॉटन से पोंछकर पानी से धो ले। चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए या फिर दाग धब्बे दूर करने हो, शहद उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अब हम स्क्रब बनाते हैं, तो स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है चीनी। आप चीनी के जगह आप आलमंड क्रश ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर अपने फेस पे ऐसे ही 5 मिनट रहने दें और उसके बाद अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। आप बनाते हैं हनी स्किन लोशन। अगर विंटर में आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल और नींबू का रस निचोड़कर मिलाएं। इस लोशन को 20 मिनट के लिए उस एरिया पर लगाएं जहां पर ड्राइनेस है, फिर इसे सादा पानी से धो लें। अब बनाते हैं फेस पैक। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हनी। अब इस दोनों को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। लगाने से बाद ऐसे ही अपने चेहरे पर उसे 10 मिनट रख ले। अब 10 मिनट के बाद अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। जब भी कोई आप फेस पैक बनाए तो उसमें हनी का ऐड जरूर करना। शहद हमारी स्किन का सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। शहद नमी प्रदान करता है। शहद चेहरे का छिद्र मुक्त करता है। शहद त्वचा को नमन रखता है। सहज से चेहरा साफ होता है। कील वो मुहासे दूर होता है।